दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। TDM का आज का अपडेट में कुछ खास खास बात बताऊंगा। आज CMD तुषार भंज का कोई वॉयस मैसेज नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जितने सारे वॉयस मैसेज आप लोग सुना है, उन्होंने जितना डेट पे डेट देते गया सब फेल हो गया। 10 तारीख तक कोई पैसा नहीं मिला। ग्रुप में बहुत सारे लोग ये लिख रहा था कि चलो 10 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, और अभी भी लिख रहा है कि चलो 15 तारीख डेट दिया तो 15 तारीख तक इंतज़ार करते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं। दोस्त आगे का सुनिए। सबसे पहले जो लोग सोच रहे थे, या जो लीडर लोग अभी भी बोल रहा है कि कुछ मत करो, इंतज़ार करो, देखो, मुझे तो उनसे उनको पर डाउट लगता है। अब सभी सीनियर लीडर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि उनके अगेंस्ट में भी केस फाइल करना बहुत ज़रूरी है। और सीनियर कौन लोग है, हम लोग क्या है, हम लोग एकदम नीचे लेवल का है। जो लास्ट टाइम पे ज्वाइनिंग हुआ था, ज्वाइनिंग होते एक डेढ़ महीना या किसी का टाइम ही नहीं मिले, एक महीने के अंदर ही पैसा देना बंद कर दिया। यानी कि हम लोग जब ज्वाइन हुआ था, ये 2023 अक्टूबर से या अक्टूबर का बाद का है। मैं बताऊंगा, जो लोग फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसा करके जो 10 लेवल तक स्टार्टिंग का ज्वाइनर है, यानी कि 2023 19 फरवरी को शुरू हुआ था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक का जितने सारे लीडर ज्वाइन था, वो लोग बहुत पैसा कमा लिया, इधर उधर से भी पैसा बहुत सारा ले लिया, जो बीड खा के हो चाहे कैसा भी हो। मैं तो बोलता हूँ, उन लोग अगर साइलेंट है, उन लोग अगर हेल्प नहीं करा, मदद नहीं करा, पक्का उनके अगेंस्ट में केस करना। पर नीचे लेवल का जितने सारे लीडर है, एक दूसरे में झगड़ते मत रहना, क्योंकि उसका फ़ायदा तुषार भंज उठाएंगे, सीनियर लीडर उठाएगा। दूसरी बात, अभी भी जो लोग विश्वास कर रहे हैं कि तुषार भंज पैसा देगा, मैं ये भी बोल रहा था कि नहीं देगा, ऐसा भी बात नहीं है, दे सकता है, इनके पास पैसा नहीं है ये भी नहीं है। बहुत बार मैंने बोला कौन से अकाउंट में किस किस के पास ये पैसा जो है TDM का रखा हुआ है, उसका नया बीवी के पास है, उसका लड़की के पास भी है, बहुत सारे पैसा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब अगर वो देना भी चाहेगा, एक दो महीना ही देगा, ऐसा ही टरका टरका के वो बात को ख़त्म करने का कोशिश करेगा। दूसरी बात है, अगर वो एक दो महीना या जब भी देगा, अगर उनका मनसा है तुषार भंज का कि मैं ROI देंगे, देखो रिटर्न किसी का देगा नहीं। बहुत सारे लोग बोला प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर दो, बहुत सारे विड्रॉल कर रखा था, किसी का नहीं दिया। सबसे पहली बात है कि उनको ऐसा कोई सपोर्ट नंबर, फ़ोन नंबर देना चाहिए, ताकि जिसको जो प्रॉब्लम्स अभी दिख रहा है सॉफ्टवेयर चेंज करने के बाद, बहुत सारे लोगों का ID ओपन नहीं हो रहा है, वो फ़ोन करके पता करे और टाइम बता दे किस टाइम से किस टाइम तक फ़ोन करना है, सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक पक्का 100% जवाब मिलना चाहिए और फ़ोन उठाना चाहिए। एक फ़ोन नंबर सर्कुलेट करे या वो वॉइस मैसेज में ये बताए, और उनको पता होना चाहिए जो कस्टमर केयर में बैठेंगे, जो सीनियरिटी लिस्ट, किसका पैसा कब मिलेगा, ROI कितना बना है, वो तुरंत सॉफ्टवेयर चेक करके उसको बता देगा। किसी का ID नहीं खुल रहा है तो क्यों नहीं खुल रहा है ये बताएंगे। दूसरा, बहुत सारे लोगों का जो फंड था वो ज़ीरो हो गया है, किसी का $500 था, किसी का $100 था, किसी का $600, किसी का $1000, उसको ज़ीरो दिख रहा है, पता नहीं क्यों। विड्रॉ अगर कर लिया था तो विड्रॉ का पैसा भी उसको नहीं मिला, फिर भी उसको ज़ीरो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये सारे चीज़ को जवाब उनका पास होना चाहिए, और CMD ये ध्यान दे। और जो लोग आप लोग वीडियो देखते हैं, बस देख के निकल जाते हैं, मैं हर बार बोलता हूँ कमेंट्स ज़रूर करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जिसका पास सीनियर लीडर का, तुषार भंज का, उसका परिवार का व्हाट्सएप नंबर है, सब उनका पास भेजो। उनका जो जो मेन लीडर है, जो सीनियर लोग है, जिसके पास आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर है, सभी ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करो, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो, होना क्या चाहिए। अभी सबसे पहली बात है कि सचमुच जो वॉइस मैसेज जो देते आ रहा था वो एकदम सब झूठा निकालता है, ठीक से बताए, अगर वॉइस दे रहा है तो ठीक से बताए, नहीं तो आप कोई डेट एक्सटेंड नहीं चलेगा। और सपोर्ट नंबर एक बहुत ज़रूरी है, एक टेलीफोन नंबर, एक दो जो भी बताओ, पहले भी कई बार दिया गया, कोई अटेंड नहीं करता, बहुत बार कोशिश करके देख लिया, बहुत सारे ग्रुप वाले फ़ोन किया, कोई अटेंड नहीं करता।
तो ये होना बहुत जरूरी है कि आप लोग पक्का एक नंबर सर्कुलेट करो तुषारभंज, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो। और जो भी आप बोल रहा है कि ये सारे झूठ बोल रहा है, अगर सच बोलना है तो सच बोलो। और जो प्रॉब्लम्स आ रहा है नीचे वालों, जो इन्वेस्टर का, ये प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। सिर्फ एक एक वॉइस मैसेज छोड़ दिया और दूसरे को पैसा लेके उन्हीं को धमकी दे रहा है कि गाली मत देना। अब मैं पहले एपिसोड में मैं आपको बताया था कि गाली नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे, इसका जवाब दो, पॉइंट वाइज जवाब दो। मैंने 11 पॉइंट उसमें दिया था, आप लोग अगर सुने होंगे, अगर जो नहीं सुना होगा वो पिछले वाले एपिसोड देख लेना। मैं पॉइंट वाइज बताया था कि क्यों नहीं गाली देगा उसको इन्वेस्टर। कंटिन्यू 5 महीना से एक पैसा नहीं मिला, लाखों रुपया तुम्हारा पास इन्वेस्ट कर रखा है, तो गाली क्यों नहीं देगा, इसका जवाब चाहिए, तब वो गाली नहीं देगा। उसके बाद तुम पेमेंट तो शुरू करो, अगर लोगों का गाली बंद करना चाहते हो तो पेमेंट शुरू करो और कंटिन्यू करो। सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता कि हाँ मिलेगा, धैर्य रखो, ये रखो रखो, सब बकवास है। तुम्हारा बात में कोई भरोसा नहीं कोई कर रहा है। अभी जो लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, अगर 15 तारीख तक करना है तो करो, कोई बात नहीं, पर अपना अपना एक्शन लेना है, बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ बिल्कुल भूलना नहीं दोस्त। लास्ट में सबसे एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा, जो लोग मेरे चैनल में नया है ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि TDM का कोई भी समाचार मिलेगा या आप लोगों के पास कोई समाचार है तो ज़रूर मेरा WhatsApp में भेज दीजिए। मेरा WhatsApp नंबर पहले कई एपिसोड में मैंने दे रखा हूँ, इसमें भी मैं अभी शो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपस में झगड़ना नहीं, आपस में लड़ने का बजाय आपस में सलाह परामर्श करो कि कैसे हम लोगों का पैसा उनसे वापस लिया जाए, कौन सा तरीका अपनाने से आप पैसा ले सकते हो। अगर पैसा नहीं देगा तो उसको क्या पनिश होना चाहिए, क्या पनिशमेंट उसका, नहीं उसका पूरा परिवार का, और ऐसा पनिशमेंट उसको होना चाहिए ताकि इंडिया के अंदर एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाए। ताकि ऐसा कोई कंपनी खोलने से पहले 1000 बार सोचे कि नहीं, जनता क्या कर सकता है, जनता का क्या पावर है। तुषारभंज क्या बड़ा बड़ा जो आजकल पॉलिटिकल लीडर है, उसका भी जनता का जो पावर है उसका अच्छा खासा एग्जाम्पल मिल रहा है। तो तुषारभंज तो कौन सा खेत का मूली है, कालिया। तो कालिया अभी भी समझ जाओ, अगर मेरा एपिसोड देखते हैं, नहीं भी देख रहा तो ज़बरदस्ती उसको दिखाओ, सभी मिलके उसको WhatsApp में भेजो, 1000 लोगों ने भेजो उसको WhatsApp में, देखो साला जरूर देखेगा कालिया। और कालिया को मैं ये बोलूँगा, अगर ज़िंदा रहना है तो तुम पक्का एक फ़ोन नंबर दो और 100% अभी पैसा देना शुरू कर दो। और जो फ़ोन नंबर दोगे सपोर्ट में, उसको हर चीज़ पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी फ़ोन करेगा जरूर अटेंड करना चाहिए, या नहीं अटेंड करेंगे तो रिंग बैक उसको करेगा, क्योंकि पैसा तुमको उन लोग दे रखा है, तुम किसी को पैसा नहीं दिया। और गाली देगा 100% देगा, किसी को बोलना नहीं कि गाली नहीं देगा, क्यों नहीं देगा इसका जवाब दो। नहीं तो अगर तुमको गाली नहीं देना है तो जवाब देना है कि क्यों गाली नहीं देगा, पक्का जवाब देना है। चलो आज का एपिसोड यहीं एंड करता हूँ दोस्त, आप लोग कमेंट्स जरूर लिखना, धन्यवाद।